Assalamualaikum friend, I am Uman. How are you all? Welcome to my channel. आज हम प्यारा सा डेकोरेशन पीस बनाएंगे. इसके लिए अपने घर से कोई फालतू डिब्बा लें, उसके साइज की शीट काटें, प्यारी सी नीट सी कटिंग करें, फिर वाइट ग्लू लें और डिब्बे के ऊपर अच्छी तरह से लगा लें. हैंड के साथ डिब्बे पे ग्लू को अच्छी तरह फैला लें ताकि डिब्बे पे हर जगह सही तरह ग्लू लग जाए. फिर शीट को डिब्बे पे अच्छी तरह चिपका लें. आराम आराम से चिपकाएं कि अच्छी तरह चिपक जाए और फालतू शीट को नीचे करके फोल्ड कर दें. ये देखिए हमारा डिब्बा कवर हो गया. अब कॉटन बेड लें, उसको मिडल में से कट कर लें. अब एक शीट लें और उसकी स्टरिप काट लें, उन पर वाइट ग्लू लगाएं, उसको हैंड से अच्छी तरह फैला लें. अब देखिए मैं ग्लू को अच्छी तरह फैला रहा हूँ. कॉटन बेड का पीस लें और इस पर रख दें. अब एक और पीस लें, उससे थोड़ा सा नीचे लगा दें, ऐसे ही दूसरी तरफ लगा दें. अब एक और पीस लें, उसे थोड़ा सा नीचे लगा दें, ऐसे दूसरी तरफ. देखिए बहुत प्यारी शेप बन गई है. इस साइड से एक्स्ट्रा पेच कट कर दें. देखिए मैं एक्स्ट्रा पीसेस कट कर रहा हूँ, आप भी ऐसे ही एक्स्ट्रा पीस कट कर लेना. अब इनको हम 1 by 1 डिब्बों पे लगाएंगे. अब हम ग्लू गन लेंगे, अब इस पे ग्लू का बड़ा सा डॉट लगाएंगे और फिर इसको डिब्बे पे चिपका देंगे. थोड़ा सा जोड़ा में खोल लगा देंगे. अब हम ये सारे 1 by 1 डिब्बे पे चिपकाएंगे. वाओ देखे कितना प्यारा लग रहा है. आप भी अपने घर से एक्स्ट्रा डिब्बे लेकर ज़रूर ट्राई करना. मैं आपके साथ और भी आइडिया शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में. ऐसे ही आप भी अपने घर को प्यारा बनाना और कमेंट में बताना मेरे आइडियाज़ कैसे हैं, वो कैसे लग रहे हैं. कमेंट में लाजमी बताना. देखिए 1 line कंप्लीट हो गई है. अब हम ऐसे ही सेकंड लाइन स्टार्ट कर देंगे. 1 by 1 ग्लू गन से ग्लू लगाएंगे और बॉक्स पे चिपकाते जाएंगे. देखें लगने से कितने प्यारे लग रहे हैं. आप भी ज़रूर ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत इजी है. अब और इसको बनाने में बहुत मज़ा आएगा, मैंने भी बहुत इंजॉय किया है. अब देख रहे होंगे कितना प्यारा लग रहा है. अब तो ये कंप्लीट नहीं है, जब ये कंप्लीट होगा बहुत प्यारा लगेगा. ये तो अभी से प्यारा लग रहा है. जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी फ्रेश वीडियो मिलती रहे और आप भी नई नई चीज़ें बनाते रहें. ये देखिए हमारी 3rd line स्टार्ट हो चुकी है. बाटों बाटों में हमारा बॉक्स रेडी हो रहा है. आपने ऐसे ही नीट नीट बनाते जाना है. ये देखें हमारी 3rd line कंप्लीट हो गई है. अब हम इस पे बटन की शेप के चिपकने वाले बीट लगाएंगे. ये बीट लग के और भी बहुत प्यारा लगेगा. मैंने बीट भी ब्लू कलर के लगाए हैं. आप लोग कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं. आप लोग मल्टी कलर से भी बना सकते हैं.
ये देखे मैं वन बाय वन बीट लगाता जा रहा हूँ। आप भी ऐसे वन बाय वन बीट लगा लेना। फ्रेंड्स, आप जो भी चीज़ बनाए आपने वो नीट नीट बनानी है प्यार से, ताकि वो बहुत प्यारी लगे। अगर काम नीट नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आपने बहुत प्यार से काम करना है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास बीट ना हो चिपकने वाली ग्लिटर शीट से डालियाँ सर्कल बना के लगा सकते हैं, या फ्लावर के शेप बना के बना लगा सकते हैं। अगर आपको कोई और शेप पसंद हो तो आप वो लगा सकते हैं, उससे भी बहुत प्यारा लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे बीट लगा दिया, हम फ्लावर वाले बीट लगाएंगे। ये मैं पूरी लाइन उठाऊंगा, आराम से डिब्बे पे लगा लूँगा। ये मैं बॉटम पे लगा रहा हूँ। देखिए मैंने आराम आराम से लगा दिया। मैं अब एक और लाइन लूँगा और उसे ध्यान से लगा दूँगा। ये देखिए मैंने आराम आराम से लगा दिया। ऐसे ही आप भी लगा लेना। अब हम इसके लिए इसका हैंडल बनाएंगे। उसके लिए हम एक स्ट्रिप लेंगे या खुद कट कर लेंगे। ये देखें, इस पे हम ग्लू लगाएंगे इस तरह से, और इसे फोल्ड कर लेंगे ताकि थोड़ी सी हार्ड हो जाए। आप इसके लिए हार्ड चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ऐसे फोल्ड कर लें। अब हम इसको भी डिकोर करेंगे। फ्लावर वाली लाइन लेंगे और इसके ऊपर चिपका देंगे। ये देखिए आराम से अभी बहुत प्यारा हैंडल बनेगा। जो जगह रह गई हम उस पर भी बीट लगा देंगे। ये देखिए मैं बीट लगा रहा हूँ, ये स्टिकी बीट है। ये देखिए हमारा हैंडल रेडी हो रहा है, बहुत प्यारा लगेगा। आप हैंडल बनाने के लिए प्लास्टिक बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं। उसे कैसे यूज़ करना है ये आइडिया मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा और मेरे साथ इंजॉय कीजिएगा। ये देखिए आपसे बात करते करते हमारा हैंडल रेडी हो गया। अब हम इसको डिब्बे पे चिपका देंगे। डिब्बे पे चिपकाने के लिए हम ग्लू गन से ग्लू लगाएंगे और एक साइड से हैंडल को उस पर लगा देंगे। उसके ऑपोजिट साइड पे हैंडल की दूसरी साइड लगा देंगे। ये देखें इस तरह से। ये देखें हमारा बॉक्स रेडी है। ये देखें इसे आप फ्लावर रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल या कुछ और रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ये डेकोरेशन पीस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह, गुड बाय।